कैमरा, इसके लिए हमारा आगे जो है ना ये वाला, ये है मेन कैमरा, ये जो है ये प्रोब है, ये अब तक 5 मीटर तक लंबा हो सकता है, ऐसे होता है पूरा एक बार देखा जाता है। ये जो 4 पोर्शन है ये जैसे इसको लूज करना होता है, ठीक है समझ गया। अभी ये हमारा सामने वाला जो कैमरा है वो कैमरा आपका 360 डिग्री रोटेशन होगा, मैं दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। और ये आपका 180 डिग्री आर्टिलेशन भी होगा। अच्छा, कोई लाइट है? हाँ बिल्कुल, नहीं तो अंधेरे में नहीं दिख पाएगा ना। ये देखिए यहाँ पर, और एक चीज़ लाइट पहले दिख, पहले एक बार एक चीज़ दिखा देते हैं, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में भी ये सारा बटन्स है, आप स्क्रीन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो ये प्रोब के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये सेम फंक्शन लाइट के लिए, ये देखिए यहाँ पे लाइट का स्विच है, इधर में भी लाइट का स्विच है, तो लाइट के लिए एक फंक्शन इधर में है, ये डीम से हाई होता है, ये 6 टाइम हम इसको अगर प्रेस करेंगे तो लाइट का पावर जो है, एलईडी जो है 12 LEDs है, उसका पावर सबसे ज़्यादा होगा। ये देखिए मैं फर्स्ट एक बार जलाया, थोड़ा आप नज़दीक आइए इसके सामने, ये देखिए ये जो लाइट जला है ना, मैं एक बार भी प्रेस किया है, सेकेंड टाइम मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए उधर लाइट का थोड़ा पावर बढ़ा, ऐसे मैं 6 टाइम प्रेस करूँगा, ये 6 टाइम हो गया। तो अभी ये लाइट को बंद करने के लिए आपको फिर से बैक में 6 टाइम ही प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट में भी आपका ऐसा काम होता है, और आप इसमें वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं। अगर आप ये इसको प्रेस करते हैं, ये वीडियो वाला साइन में, आप यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई, वीडियो चालू हो गया। तो इसको वीडियो को बंद करने के लिए और एक बार पुश कर देना है इसको, सेम है, आप इसको फोटो भी खींच सकते हैं, ठीक है, फोटो उठ गया। अभी इसको देखने के लिए देखिए, तो स्क्रीन में टच करने के बाद यहाँ पे, सॉरी, ये जो बटन दिख रहा है ना, प्ले वाला बटन, इसको एक बार प्रेस करना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएगा। आपको अगर पिक्चर देखना है, पिक्चर में क्लिक कीजिए, ये पिक्चर आ गया, इसमें क्लिक करने से आपको दिख जाएगा, फिर से इसको दबाने से ये बैक में आ गया। यहाँ से भी आप बैक कर सकते हैं, तो अभी वीडियो में जाने से आपको ये वाला जो वीडियो हमने समझ गया, ठीक है। और एक चीज़ है सर, आप इसको ठीक है, जानता हूँ, ये एक्चुअली इससे कम्युनिकेशन भी होता है, ये वाला सामने जो हमारा कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से वो पोर्शन जिस पर्सन के सामने रहेगा, वो अगर कुछ बोलता है तो हमको इधर सुनाई देगा, बात कर सकता है, दोनों तरफ कम्युनिकेट कर सकता है। तो यही है पूरा फंक्शन, ये अंडर वाटर में काम कर सकता है? नहीं सर, ये अंडर वाटर में काम नहीं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स नहीं होगा, स्ट्रक्चरल कोलैप्स में ये मेनली काम करता है, ये बेसिकली ये प्रोब से काम करता है, मतलब ये स्टिक से। और दूसरा है, अगर आप बाई चांस देखो हमको आड़ा टेढ़ा आ गया, बहुत बिल्डिंग गिरा है, बहुत सारे स्लैब्स गिरा है, उसमें तो हम देख नहीं पा रहे हैं, उधर क्या यूटिलिटी है? एक्सटेंशन कॉर्ड है इसमें? हाँ, इसका एक्सटेंशन कॉर्ड है 20 मीटर। कैमरा सर, कैमरा हेड का अलग एक्सटेंड कॉर्ड नहीं जाओगे सर? अलग एक्सटेंशन कॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड ब्रिजिंग सिस्टम, सो इट विल क्रिएट अ होल टू this camera, so yes, this is the drill bit, it will create a hole to put this camera inside the disaster pipe. ये एक 24 इंच वाला आपका ड्रिल बिट होता है, जनरली जो कोलैप्स होता है वहाँ पे कॉन्क्रीट भी आता है, वो ना इससे 4 इंच का ही होता है, तो उसको हम इजिली उसमें एक ड्रिल करके वहाँ पे एक होल बना के उसको अंदर डाल सकते हैं।